हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सी एस सी ऑल जॉब्स ऑनलाइन में। दोस्तों, बात करेंगे आज हम जो है ग्रामीण चौकीदार भर्ती 2023 के बारे में। जिला अंतर्गत सीधी भर्ती है दोस्तों, चाहे जाने कहाँ और किस विभाग में आई है, बहाली कैसे करें अप्लाई, ठीक है दोस्तों। परमानेंट नौकरी आपकी, ऑल इंडिया से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 20,000 आपकी सैलरी रहने वाली है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको फुल नोटिफिकेशन जानना है इसका, तो पहले तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिसे घंटी का निशान बोलते हैं। और जितना हो सके अपने भाई को सपोर्ट दिखाए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो दोस्तों। चलते हैं, फिर आपको बताते हैं दोस्तों इसका नोटिफिकेशन है। जैसे नोटिफिकेशन आपको कैसे डाउनलोड होगा, gumla.nic.in पर जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे एक नोटिस का ऑप्शन मिलेगा, न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा आपको सामने। यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, तो देख सकते हैं आप दोस्तों। 30/9/23 से लेकर 30/10/2023 तक आपकी लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है। तो यहाँ पर व्यू 2-3 MB लिख रहा है, तो आपको क्या करना है, इसी पर दोस्तों क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करने बाद आपके सामने ये जो है डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अनुसार की 90 वैकेंसी है इसकी, इतनी है टोटल आपकी जो है। यहाँ पे जो पोस्ट है आपकी टोटल 2600, टोटल 226 वैकेंसी आपकी टोटल है यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी आपकी निकाली गई है, वो ग्रामीण चौकीदार भर्ती 2023 के ऊपर निकाली गई है बिहार में। एज की बात करें तो देख सकते हैं आप, 45, 48, 50 तक आपकी चल जाएगी 18 साल से। पूर्व में आवेदक आवेदित के रूप से चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले सभी अभ्यर्थी माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रभावित के लिए उम्र सीमा 1 बारी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए शैक्षित किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो एज की गणना करें, तो एज जो आपकी यहाँ पर ली गई है वो 1/8/2023 से लेकर स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। 1/8/2023 से आपका फॉर्म यहाँ पे जो है, डेट ऑफ बर्थ आपकी मांगी गई है इसमें। दिव्यांगों के लिए उम्र में छूट, यहाँ पे दिव्यांगों की उम्र की छूट यहाँ पे दे रखी है दोस्तों। चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षित मान्यता प्राप्त के शिक्षक संस्थान बोर्ड में 10वीं एवं गणित 1/1/2023 तक 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 1/1/2023 के हिसाब से आपके यहाँ 10वीं और पास जो है पास हो जानी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जो आयु की गणना तिथि की देख सकते हैं, 1/8/2023 के हिसाब से दे रखी है। सामान्य वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 155 हाइट है, महिलाओं के लिए 48 यहाँ पे हाइट आपकी दे रखी है यहाँ पे टोटल, ठीक है दोस्तों। आपकी हाइट इस तरह से होनी चाहिए। सातवें पढ़ते हैं, अभ्यर्थी को संबंधित बीच क्षेत्र क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए, अत केवल निकटतम ग्राम पंचायत के निवासी के आवेदन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर साफ साफ इन्होंने बोला गया है, आप इसे पढ़ लेना, मैं इसका नोटिफिकेशन डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाके आप जैसे ही इसे डाउनलोड करोगे तो आप इसमें जो है जान पाओगे और समझ पाओगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए, आपका डाउनलोड हो जाएगा। बाकी आप जैसे ही आओगे ना, तो गूगल पे भी आपको जैसे डालना है तो गूगल पे मैं आपको बता देता हूँ क्या डालना है। जैसे मान लिया यहाँ पर गूगल आपने टाइप किया, तो दोस्तों आपको सिर्फ इतना डालना है
आपको ये डालना है GUML, गुमला डॉट NIC.in, आपको एंटर कर देना है। एंटर करने बाद ये जो पहला वेबसाइट आएगा दोस्तों, क्या करना है आपको, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे वो जो है पोर्टल यहाँ पे खुल जाएगा इसका। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है दोस्तों, आपको देख सकते हैं नोटिस नोटिस का, तो आपको नोटिस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद न्यू डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर देंगे आप। और क्लिक करने बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी आपकी आ चुकी है, ये 30 तारीख से लेकर 30 अक्टूबर तक आपकी यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आपको यहाँ से डाउनलोड करने के लिए मिलेगा, 3 MB का जो है ये आपका नोटिफिकेशन है। तो व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा नोटिफिकेशन, ठीक है दोस्तों। और इसे रीड करने के बाद जो है आप आगे का जो है तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, जो जो यहाँ पे मांगा गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसे आप भरेंगे तो दोस्तों ये आपको भरना पड़ेगा इसका चौकीदार का फॉर्म। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फोटो आपको अपलोड करना है। आपको यहाँ पे दोस्तों फोटो लगाना है, एक अपना फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो। उसके बाद ग्राहक, जिला, जिले का नाम डालना है। उसके बाद अभ्यर्थी का बड़े अक्षरों में पहले आप नाम डालेंगे हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में नाम डालना है। पिता का नाम डालना है, आपकी जन्मतिथि डालनी है। उसके बाद आपका ग्राम पंचायत का नाम, पोस्ट, थाना, अंचल का नाम, उस जिले का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पत्र चार पता डालना है आपको। और उसके बाद पद का नाम आपका चौकीदार हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका कोई शरीर पे कोई कटे है या मार्क है या चेहरे पे तिल वगैरह है वो डाल दीजिए यहाँ पर कॉलम में, तो दे रखे हैं। उसके बाद आपको हाई स्कूल एंड इंटर एंड ग्रेजुएशन की डिटेल आप डाल सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं है तो आप इसे जो है इंटर की डिटेल ही डाल सकते हैं। अगर आपके पास इंटर की भी डिटेल नहीं है तो आप हाई स्कूल की डिटेल ही डाल सकते हैं। हाई स्कूल से ही है दोस्तों ये फॉर्म, 10th क्लास होना चाहिए। 20,000 आपकी इसमें सैलरी मिलती है, अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले आपको बोर्ड का नाम डालना है, उसके बाद पासिंग ईयर, उसके बाद टोटल नंबर कितने आए थे, परसेंटेज क्या थी वो डाल दीजिए। ऐसे इंटर में बोर्ड का नाम, कब पास हुई, कब अंतरण की थी, उसके बाद प्राप्त कितने हुए थे और प्रतिशत कितना रहा था वो डालिए। अब दोस्तों ये सारा भरने के बाद भाषा का चयन आप चुनेंगे यहाँ पर, ये दोस्तों सारा आपको भरना है। और ये जो है इसका एडमिट कार्ड का भी साथ के साथ में दे रखा है, तो इसे भी आप भर लीजिए। यहाँ पर फोटो, आवेदक का नाम, पिता का नाम, पता, ये सारा कुछ आपको भरना है दोस्तों। और ये भरने के बाद दोस्तों एक लिफाफा लेना है, लिफाफे में आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। इसे भरने के बाद फॉर्म को एक फॉर्म के साथ में आपको जाति, मूल निवास, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। अटैच करने बाद आपको भेजना कहाँ पे है वो समझ लीजिए। यहाँ देख सकते हैं आप पता, यहाँ पे ये वाला एड्रेस जो है आपका, ये वाला लेके यहाँ से लेके मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। ये जो एड्रेस है ना, ये वाला एड्रेस है, ये आपका एड्रेस रहेगा दोस्तों। उपयुक्त कार्यालय, जिला, सामान्य शाखा, नया समाज, नालिया भवन नगर, ये दोस्तों आपको यहाँ पे भेजने का जो है पता है। भेजना कैसे है आपको, यहाँ पे स्पीड पोस्ट भेज सकते हैं, डाक द्वारा भेज सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आवेदन के को बंद लिफाफे में स्पष्ट रूप से विज्ञापन संख्या एवं पद का विवरण अंकित केवल निर्देशक, जो विज्ञापन नंबर है वो नीचे ऊपर आओगे सबसे ऊपर, तो यहाँ पे एक विज्ञापन नंबर आपको मिलता है 001-2023। इस तरह से आपको जो है विज्ञापन संख्या भी आपको डालना है। आपको फॉर्म में अपना डालना है और टू में जहाँ पे आप भेज रहे हो वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये आपको पता मैंने बता दिया है कौन से पेज में है। ये 4वें पेज पे है, चौथे पेज पे जब आओगे तो आपको यहाँ पे सबसे नीचे इसका एड्रेस मिल जाएगा जहाँ पे आपको भेजना है, ठीक है दोस्तों। भेज देना और अच्छे से लिफाफे में बंद करना, जैसे बताया है फॉर्म में, और
तो मैं, और प्लस आपको विज्ञापन संख्या भी डालनी है, पोस्ट का नाम भी आपको डालना पड़ेगा किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो दोस्तों आशा करता है ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जाइए दोस्तों, क्योंकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक तो अपना ध्यान रखें, कुछ पूछना हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये जो है वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।